क्योंकि बाहर उमस भी हो रही है, दूसरा गीत को फिर से बुखार आ। दोस्तों चाय आ गई है, गीत ने पोहा आधी खाया क्योंकि तबीयत ठीक नहीं, अभी टोस्ट खा रही है मैडम, मगर अभी फिर हल्का सा फीवर आना शुरू हो गया है। और चाय पापा पीएंगे? नहीं, आपके लिए सिर्फ टोस्ट है। ओके, पोहा आपने फिनिश नहीं किया, दवाई कैसे खिलाते खाली पेट? है रचना खाना बना रही क्योंकि ऑफिस जाना है, कल भले ही छुट्टी है मुहर्रम की। पापा ने फिनिश कर दिया, आपने फिनिश नहीं किया? रचना मैंने क्या शेक पिया, इसने जूस पिया गया। ये फिनिश करो तो दवाई दे आपको कम से कम। दोस्तों ये लिखा है डिलीशियस पाइनएप्पल फ्लेवर, ये है एंटी एंटीबायोटिक है और इसमें लिखा है डिलीशियस पाइनएप्पल फ्लेवर, दवाई भी डिलीशियस आने लगी। हमारे टाइम पे ऐसी खड़ी दवाई आती थी। बाय। तो जय माता दी दोस्तों, कल रात को भी नींद नहीं आ रही थी क्योंकि डर लग रहा था गीत की तबीयत का, और मॉर्निंग में भी जल्दी उठ के फटाफट मैं नहा ली थी झाड़ू पोछा करके एंड खाना बना लिया, और अब टाइम मिला है, जल्दी फ्री हो गए, 11 बजने वाले, बस मालवा जी को टिफिन रखना है और वो ऑफिस जाएंगे। तो क्योंकि मूड ठीक नहीं है तो जिस दिन मूड ठीक नहीं होता उस दिन मैं अच्छे से तैयार होती हूँ, कपड़े तो घर के ही हैं पर चेहरे पे मैंने आईलाइनर लगा लिया और थोड़ी सी लिपस्टिक, वो इसलिए कि मूड अच्छा नहीं है तो शायद शक्ल अच्छी कर लेंगे तो अच्छा लगेगा। आप कुछ लोग कमेंट करेंगे आपकी शक्ल भी अच्छी नहीं है। बात तो सही है। ठीक है ना, मुझे अच्छी लगती कभी 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 कभी। यार मुझे भी लाना है वो वाला सिंदूर, वो वाला, लेकिन वो क्या होता है मांग, फिर वो जब तक धो नहीं वो अजीब सा इचिंग होने लगती है, आजकल कोई भी चीज प्योर मिलती नहीं है ना तो सूट नहीं करता है कभी कभी। और अब तो बहुत से त्योहार आने वाले हैं, रक्षाबंधन आ जाएगा, उसके बाद तीज आएगा, गणेश चतुर्थी आएगी। मालवे जी नहा लिए क्या? चलिए इनका टिफिन रखते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। तो दोस्तों देखो गीत नहा लिए, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है ना? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है आप? ये तो ए भैया तू तो अभी से मॉडर्न बन गई, ऐसा कांचा फैशन है ये तो, भैया ढीले हो गए सब। बेटा आप पतले होते जा रहे हो ना, बस खाना पाना खाना नहीं है, सुबह टोस्ट भी नहीं खाया ना पोहा खाया, पढ़ाई चल रही है मैडम की, आज स्कूल नहीं गए ना थोड़े बहुत। वो तो आप क्यों कहें, क्यों क्यों निकालो, क्यों क्यों निकालो, क्यों निकलेगा? बहुत देर लगा रहे ये था क्यों मंकी। भाई ऑफिस मन तो नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं गीत की, अब मेरे को भी रात भर जगते हैं तो अच्छा लगता है, मगर जाना पड़ेगा। और आप बताओ मैं कितना हैंडसम लग रहा हूँ? छी 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 बेटा, कितने बुरे लग रहे हो आप, कितने गंदे लग रहे हो, छी छी जाओ दोबारा तैयार हो जाओ। इसलिए आज सुबह से मैंने बात नहीं करी ना रचना के साथ, स्क्रीन शेयर तक नहीं करी। तो गीत और हम ही अच्छे लग रहे हैं, गीत दिखाओ अपने आपको, पापा को दिखाओ कितने क्यूट लग रहे हैं दोनों, आए हाय जुड़वा है, देख जरूरी नहीं उनको हर जगह की ताता दिखाए। अरे यार चलो काले टीका भी होना चाहिए वीडियो में, वो नजर ना लगे इसलिए रचना आई थी हम दोनों को। अरे अब मेरे को तो मुझे क्यों, चलो पानी आने वाला, चलो पापा जा रहे गीत, पानी आएगा तो फिर भीग जाएंगे पापा। बाय बाय, इधर पापा को बाय करो, बाय जी माता दी करो, जी माता, चलो बाय करो। तो अभी रचना से बात हुई दिन में, जब से ऑफिस आया हूँ तो गीत की तबीयत थोड़ी सी अच्छी है, आराम है थोड़ा सा, ये अच्छी बात है। 3 दिन की डोज तो देनी पड़ेगी एंटीबायोटिक खासकर, क्योंकि कान में इन्फेक्शन है और आंखों में इन्फेक्शन है, तो उसे आराम मिलेगा। वो मेरे कल की रात उसने ठीक ठीक सोई, हालांकि बीच बीच में उठ रही थी, मगर इस कम्पेयर टू परसों की रात तो ठीक है, आज रात अच्छा सोए, हमको सोने दे क्योंकि नहीं तो मुझे लगता है कि मेरी आंखों में भी नींद दिख रही होगी आपको। भुट्टे हमने खाए नहीं इस बार, भुट्टे बहुत पसंद है मुझे, और कोशिश करता हूँ बैग में जगह रही तो भुट्टे ले चलते हैं। कल है मुहर्रम, कल छुट्टी है, तो रचना कुछ चाहती है कि बॉल पर कलर करें, देख कल हो पाता है कि नहीं, मतलब मुश्किल लग रहा है। संडे को हम बहुत कुछ प्लान करा था कि हमारा कुछ घर का हिस्से को हम थोड़ा चेंज करना चाह रहे थे, मगर नहीं हो पाएगी थी तबीयत के चक्कर में, देखते हैं कल हो पता है कि नहीं।
हल्का हल्का पानी आ ही गया आखिरकार, मगर भीगने से बच गया था। प्यार दिलों दा मेला। क्या कर रही बेटा, टीवी के अलावा कुछ देख रही कि नहीं? दलिया खा रही है। दलिया खा रही है, भूख लग रही है रचना बहुत तेज। भजिए तल रहे हैं, साबुदाने के बड़े तल रहे हैं, आपको खिलाने का नहीं है। तो ये जगह खाली हो गई क्योंकि इसको रचना चाह रही है कि रेनोवेट करें। रेनोवेट ही कहेंगे, रेनोवेट कह लो या छोटा, मतलब एक्चुअली क्या है यहाँ पे थोड़ा मैस भी पड़ा रहता है और माता रानी की फोटो थी और नॉर्थ में, तो मेरा मन हुआ कि उनको अंदर ही रख दे। एक्चुअली माता जी नहीं आ रही थी कि जब भी बाहर जाते हैं हाथ जोड़ते, बट मुझे ऐसा फील हुआ तो हमने चेंज कर दिया उनकी जगह। तो इसको बस मैं थोड़ा सा पेंट करूंगी, अगर माता जी हेल्प कर दे तो अच्छी बात है, ताकि वो कल मेरी हेल्प कर पाए कि आज उनको मिलेंगे गरम गरम बड़े। ये फलहारी साबुदाना है, ये फलहारी बड़े है। तो आज मंडे है इसलिए आपको उपास है, आपके लिए बनाया ना, क्या आज सावन का आखिरी सोमवार है इसलिए। इसके लिए क्या बनाया, दलिया तो खा लिया, दलिया आप लिए ला थोड़ा सा। ये तो बेटा आप नहीं खा सकते, ऑयल है ना इसमें। हाँ आप एलिफेंट, भूख लगेगी तो दलिया है बचा हुआ। नहीं मेरा इसमें हो जाएगा, हालांकि मुझे भी सर्दी असर लग रहा है, मुझे हल्दी वाला दूध पिला देना बस। चलो ठीक है, मुझे बहुत सर्दी असर लग रहा है। आज भी हम यहीं सोएंगे क्योंकि वहाँ पे एक ही फैन है, इस रूम में दो फैन है तो एक चला देते हैं क्योंकि बाहर उमस भी हो रही है, और दूसरा गीत को फिर से बुखार आ गया। दिन भर ठीक रही क्यों रचना, दिन भर ठीक थी फिर बुखार आ गया, तो डॉक्टर को फिर बात करेंगे सर जाके, कल फिर मुहर्रम में छुट्टी ना हो। चलो सुलाओ अभी तो मैं बिस्तर बिछा दूँ यहाँ पे। डॉक्टर ने तो 3 दिन का बोला ही था ना कि 3 दिन की दवाई दी है यार। मैं तो फिर बुखार, वो इन्फेक्शन या वायरल होगा ना, अब डॉक्टर भी समझ में आई, संडे को सर जूनियर डॉक्टर ही से हो। पर जो दवाइयाँ दी बच्चों को यही देते हैं यार। मैं तो 2 साल से देख रही हूँ, पहले साल तो गीत को ऐसे सच कभी फादर आने के पास जरूरत नहीं पड़ी, इसी साल इतनी प्रॉब्लम हो रही है। किसी भी डॉक्टर, बस एक बड़ा डॉक्टर बचा है, क्या गांधी ना, पराग गांधी, उसके अलावा सबको दिखा दिया, सब एक ही चीज देते हैं यार, बच्चों को खांसी की और वो एंटीबायोटिक और वो एक मोन्टारेल सी। बस एक डॉक्टर तो कह रहा था कि आप चिंता मत करो, 2 साल तो बच्चों को होते ही, जब बच्चे स्कूल जाते हैं। हाँ वो तो कहता है होना ही है, बच्चे जाएंगे आदान प्रदान होता ही रहेगा इन चीजों का। तो रो क्यों रहा बेटा, आप रो के फिर आपकी तबीयत खराब हो गई, तो वैसे आपका गला लग रहा है, रो मत है रचना। अरे नहीं रो रहे। चलो मैं बिस्तर बिछा, तो रचना और बाबू को जाती है, मैंने उल्टी टी शर्ट पहन ली अंधेरे में, क्या करना घर पे ही तो रहता हूँ उल्टी पहन रखी। हाँ तो दोस्तों चलो, क्या बोलूँ यार, बहुत अच्छा नहीं लगता है यार, गीत खेलती रहती है अच्छा लगता, सो गई, सोते हैं बाहर। तो दोस्तों अपना ध्यान रखिएगा और ये ब्लॉग यहीं तक है, और उम्मीद है कल गीत बहुत अच्छी हो, फिर फीवर ना आए, फीवर नहीं आए क्योंकि फीवर उसको थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, मुझे लग रहा है 100 के आसपास, तो वो नहीं आना चाहिए। मिलते हैं कल आपसे, उम्मीद है सब अच्छा होगा, और कल मुहर्रम है, उसके बाद एक दिन ऑफिस जाना है, फिर रक्षाबंधन है, तो सब अच्छा हो जाए, तो त्यौहार अच्छे से मना लें। जय माता दी। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें हमारे चैनल को, और कोई सजेशन हो तो प्लीज़ ड्रॉप करें। फ्रेंड्स ये देखिए, आप लोगों को क्या बोला गया था कि मैं मिल्क पीऊँगा, मतलब वो क्या हल्दी वाला दूध पीऊँगा, और मुझे आधी रात को बनवाई जा रही है कड़क मसालेदार चाय। तो देखा फ्रेंड्स आपने, जिस बंदे को आप बड़ा अच्छा समझते हैं ना, ये है उसकी असलियत, रात पे बैठ के पिएगा चाय। दिखाती हूँ मैं आपको, हर चीज ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं, हर चीज ब्लॉग में नहीं दिखाते हैं दोस्तों, मुझे सर्दी हो रही है, मुझे इतना जो बदनाम कर रखा है ना, खाना नहीं बनाती है, ये है वो है, अपनी असलियत भी तो दिखाओ। बताता हूँ अपनी असलियत दोस्तों, इधर आओ, सर्दी हो रही, मैंने क्या गलती कर दी चाय मैंने क्या गलती करी चाय मांग ली, गरम चाय की प्याली हो और मुझको पिलाने वाली हो। क्या दर्द है तेरी आवाज में छोरे, बाप रे क्या चाय बनाई यार, कैसी है, मीठा नहीं डाली इसमें कुछ भी, सब दादी तो कितनी डालो, गुड़ डाला अच्छी नहीं है, ये ऐसे ही करता है फ्रेंड, अच्छी नहीं तो खुद बना लो ना, पियेंगे मेरे ही हाथ की, मैं ही बना के लाऊं, ये तो छानने गई थी तो इसने ऐसे फोटो वीडियो बना लिया बस।
कोई बात नहीं, आप अच्छी बनी। और जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे रात को 8वें महीने में रात को 10 बजे क्रेविंग हुई थी चाय की, है ना, पर चाय अनहेल्दी प्रॉब्लम होती है उस टाइम पे, तो मैं उतना नहीं पीती थी रात को 10 बजे। जानू बहुत मन कर रहा है चाय पिला दो, कृष्णा नुकसान करेगा, नो 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 नो, मेरे लिए तो नहीं बनाई, मैं तो बना दिया। शी प्रूव्ड इट अगेन कि ये औरत है, और प्रेगनेंसी का 8वां महीने मतलब उनकी 3 साल से ऊपर का समय इसको याद है, वो दिन वो रात याद है, सब याद है मुझे। सोचो फिर, डोंट मेरी विद अ गर्ल अ वुमन, मेरी विद अ बॉय, हैशटैग न्यू ट्रेंड। चलो दोस्तों, फालतू बात नहीं करूंगा मैं ज्यादा, और मैं टीवी पे कुछ ऐसा याद ही नहीं है, कुछ अच्छा ही नहीं लगता यार। नेटफ्लिक्स कुछ ला यार भाई, गेम ऑफ कब से शुरू हो रही है यार, मैं तो पढ़ रही हूं। चलो छोड़ो, आप बुक पढ़ो, नई बुक लेकर आएंगे तबस्मी। चलो पढ़ने दो, अपन तो चाय एंजॉय करते हैं। गीत इज स्लीपिंग।